नमस्कार। आज से 30 साल का सूखा होगा खत्म, इतिहास याद रखेगा, परिवर्तन की सुनामी शुरू, 8 राशियों की दहाड़ेगी किस्मत, लौटाएगा पैसा। मित्रों, जबरदस्त योग आज सुबह से शनि हो गए आपके, सभी 12 राशियों के हो गए। पहले भी सभी 12 राशियों के थे, पर अब स्थान परिवर्तन जो इन्होंने आज सुबह कर लिया, इससे तो और ज़्यादा वारे न्यारे हो जाएंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है, ये स्पष्ट कर देता हूँ। क्योंकि शनि महाराज कुंभ राशि में आ गए हैं, मूल त्रिकोण राशि में आ गए हैं, अपनी प्रिय राशि में आ गए हैं। शनि कुंभ राशि में आकर के ज़्यादा बलि हो जाते हैं, क्योंकि इनकी मकर से ज़्यादा ये कुंभ से प्रेम करते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपनी घरवाली से कम प्यार करेंगे, बाहरवाली से ज़्यादा करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी घरवाली के अलावा उठा करके देखते ही नहीं हैं। जो बहुत अच्छी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो सबसे पहले अपने घर को संभालेंगे, उसके अपने घर को देखेंगे, बाद में सोचेंगे बाहर वाले के लिए। और कुछ ऐसे होते हैं जो बाहर वाले के चक्कर में अपना ही घर खराब कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो शनि महाराज हैं, वो अपनी मकर राशि से प्रेम नहीं करते, वो अपनी दूसरी राशि से ज़्यादा प्रेम करते हैं, कुंभ राशि से करते हैं। और कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण होती है। 30 साल का सूखा खत्म होगा, मैंने इस प्रकार का चयन आज के इस थंबनेल में किया है। और क्यों किया है, इसका रीज़न अब आपको स्पष्ट हो जाएगा, वीडियो में स्पष्ट होगा। वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा 8 राशियों के किस प्रकार से वारे न्यारे होंगे। जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, बहुत आनंद आने वाला है, बहुत ज़बरदस्त लाभप्रद वीडियो रहने वाली है। न्याय के देवता शनि, कर्म फलदाता शनि, अब जैसा कर्म करेंगे तो फल भी तो वैसा ही मिलेगा। पिछले 2.5 साल से जिन राशियों ने कड़ी तपस्या करी है, 24 जनवरी 2020 से तपस्या चल रही है, उन राशियों के अब वारे न्यारे होंगे, 100% होंगे, पैसा आएगा। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसका कारण भी आपको समझाऊंगा। शनि उद्योग से, कारखाने से, खनिज से, लोहे लंगड़ से, काली उड़द से, सरसों के तेल से, सरसों के काम कारोबार से, लोहे के काम से, खनिज के काम से, भूगर्भ का काम ये शनि कराते हैं, बड़े कारखाने लगवाते हैं, मजदूरी वर्ग से जोड़ते हैं, और इनमें थोड़ी सी झूठ की आलस की प्रवृत्ति भी है, और ये थोड़ा 2 नंबर से काम कराने में भी आपको सहयोग करते हैं। जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है, और ये यथार्थ सत्य है। अगर ज्योतिष में शनि ना होता तो हमें कर्म का फल सही और बुरा ना मिल पाता। ज्योतिष शास्त्र में अगर गुरु ना होता तो हमारे को ज्ञान का आभास नहीं हो पाता, ज्ञान से हम विरक्त हो जाते। अगर हमारे पास ज्योतिष में बुध ना होता तो बुद्धि ना होती, याददाश्त ना होती, तीव्रता ना होती। अगर हमारे पास में चंद्रमा ना होता तो हमारे मन में भाव इमोशनल ना होते। हमारे पास में ज्योतिष के अंदर यदि मंगल ना होता तो हमारे अंदर ऊर्जा की कमी रहती, ताकत की कमी रहती। इसलिए इन सभी के अंदर शनि का जो रोल है हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण हो जाता है, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। दोस्तों, यह जो गोचर हुआ है, आज से हुआ है, 29 अप्रैल से हुआ है, 12 जुलाई तक अब शनि महाराज इसी कुंभ राशि में रहेंगे, और 12 जुलाई को एक बार वापस पुनः मकर राशि में लौट जाएंगे। इसलिए कुछ राशियों के ऊपर शनि की 7.5 शुरू होगी, जैसे मीन राशि पर अभी 2.25 महीने के लिए शनि की 7.5 का प्रभाव चालू होगा। इसके अलावा तुला राशि से शनि की ढैया समाप्त होगी 2.25 महीने के लिए, और वृश्चिक राशि पर ढैया प्रारंभ होगी। ऐसे ही मिथुन राशि से शनि की ढैया समाप्त होगी तो कर्क राशि के ऊपर शनि की जो ढैया है वो प्रारंभ होगी 2.25 महीने के लिए। इसी प्रकार से जो मकर राशि के जातक हैं उनकी शनि की 7.5 अब एंडिंग फेस में आएगी 2.25 महीने के लिए, तो यहाँ पर कुंभ राशि के लिए मिड पार्ट में शनि की 7.5 चालू हो जाएगी 2.25 महीने के लिए। कुछ इस प्रकार का ग्रह गोचर रहेगा। आइए इसको और व्याख्या करते हैं, पूर्ण रूप से राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और वीडियो को अंत तक और पूरा सुनना। और जो स्टार्टिंग के 4 मिनट बोले हैं, बहुत से लोगों को लगेगा कि ये तो हमारे काम की बात नहीं है, हमें तो मेन सार सुनना है कि आखिर फल कैसा मिलेगा। धैर्य रखिए, ये बातें भी बड़ा महत्व रखती हैं जीवन में, इनको समझना जरूरी है, क्योंकि इन पर फल टिका हुआ होता है। तो आइए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ 8 राशियों में से उन 2 राशियों के बारे में जिनको फल रहेगा एवरेज। जी हाँ,
जिनको एवरेज फल की प्राप्ति होगी। सबसे पहले नंबर पर मैं आपसे बात करूंगा मेष राशि के सभी दर्शकों की। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं मंगल ग्रह, और इनफैक्ट इतना सुंदर योग देखिए 30 साल के बाद बनाए कि मंगल की और शनि की युति हो रही है लाभ स्थान में। आज से शनि ने राशि परिवर्तन किया 29 अप्रैल से और कुंभ में चले गए, और ऑलरेडी मंगल कुंभ में चल रहे हैं, यानी कि शनि परिवर्तन के साथ में उनको मंगल का ही योग मिल गया, मंगल की युति मिल गई। आपकी राशि के स्वामी लाभ स्थान में, आपके कर्म के स्वामी शनि लाभ स्थान में। अब आपके लिए कुछ स्रोत खुलने जा रहे हैं, लाभ के दृष्टिकोण से खुलने जा रहे हैं। तपस्या का फल अब आपको मिलने जा रहा है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी किंतु परंतु नहीं है, ये मेरी बात को अच्छे से आप समझ लीजिएगा। पर मंगल शनि की युति में बड़े भाई बहनों के साथ में तनाव जरूर होता है, वैचारिक मतभेद बढ़ते हैं, और पैरों से संबंधित विकार और की समस्या यहाँ पर बनती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। पर कर्मेश लाभ स्थान में आकर के अब लाभ में बढ़ोतरी का योग बनेगा। शनि की तीसरी दृष्टि मेष राशि पर रहेगी, नीच की दृष्टि रहेगी, जिसके फलस्वरूप सर में दर्द की शिकायत, मांसपेशियों में खिंचाव, ऐसा योग दिखाई देता है, लाभ के लिए परंतु अच्छा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि जिनके लिए फल एवरेज रहेगा। राशि का नाम है सिंह। जितने भी जातक मुझे भी सिंह के सुन रहे हैं, आपके लिए जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार आपकी राशि के स्वामी बनते हैं सूर्य, और सूर्य के साथ में जो शनि का शत्रुता का भाव है, परंतु अच्छी बात यह है कि आपके लिए शनि महाराज छठे भाव से निकल करके अब सप्तम भाव में आ चुके हैं, एक शश नाम का महापुरुष राजयोग बना करके आपके लिए आ चुके हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण फल होता है, 2.25 महीने के लिए प्रारंभ हुआ है, और इस शश राजयोग के द्वारा अब आपके कार्य सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। पुलिस केस मुकदमे कोर्ट कचहरी से मुक्ति मिलेगी, दैनिक इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, व्यापारिक सहयोग मिलेगा, व्यापारिक पार्टनर से भी सहयोग मिलेगा। इस प्रकार का एक ग्रह गोचर आपकी राशि में यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। तो इसलिए ये योग आपके लिए अच्छा है, निश्चित तौर पर अच्छा है। अब बात करते हैं उन 6 राशियों की जिनके लिए फल एक्सीलेंट रहेगा। जी हाँ, एक्सीलेंट वर्ड अपने आप में ही इस वर्ड की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, जब ये जुड़ जाता है तो इसका मतलब अब वो प्रत्येक राशि बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी जिसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करूंगा वृषभ राशि की। जितने भी जातक अब मुझे वृषभ के सुन रहे हैं, ध्यान से सुनना, बहुत लगन से सुनना, आपके लिए वरदान से कम नहीं है। जी हाँ, वरदान से कम नहीं शनि। आपकी राशि के स्वामी शुक्र ग्रह शनि के परम मित्र हैं। जी हाँ, परम मित्र। अब यहां पर कर्म भाव पर कुंभ राशि में शनि देव का आज से जो गोचर हुआ, ये शश नाम का महापुरुष राजयोग बनाया है। इस शश नाम के महापुरुष राजयोग से कार्य सिद्ध होंगे, और 17 मई के बाद से जबरदस्त लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मंगल शनि की जो युति है 17 मई तक रहेगी और ये समाप्त हो जाएगी। फिर आपके कर्म भाव के स्वामी केंद्र में दशम भाव पर जबरदस्त गेन होगा, और आपकी राशि के स्वामी शुक्र वो ऑलरेडी उच्च के होकर के लाभ स्थान में बैठे हैं गुरु के साथ में। कितना जबरदस्त योग बन गया कि गुरु आपके स्वयं राशि के लाभ में, शुक्र आपके उच्च के होकर के लाभ स्थान में, और शनि आपके कर्म भाव पर शश नाम का राजयोग बना करके बैठे हैं, और वो भी कर्म भाग्यश होकर के। इसका मतलब अब आपको आने वाले समय में भाग्य के अनुरूप जबरदस्त गेन होगा, ये मैं आपको अपनी वाणी के माध्यम से कह देना चाहता हूँ। मेहनत करिए, अब आपको मीठा फल मिलने जा रहा है, ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि की जो एक्सीलेंट रहेगी। राशि का नाम है मिथुन। जितने भी जातक इस समय मुझे मिथुन के सुन रहे हैं, आपके लिए आपकी राशि की जिम्मेदारी आ जाती है बुध ग्रह के पास में, और बुध और शनि की घनिष्ठ मित्रता है, और इनफैक्ट आपसे 2.25 महीने के लिए शनि की जो ढैया है वो भी समाप्त हो रही है, तो एक बहुत बड़ा रिलीफ आपको मिलेगा। और उससे भी बड़ा रिलीफ ये है कि अष्टम भाव से शनि निकल के भाग्य स्थान में आ जाएंगे, तो जो पेंडिंग वर्क हैं, रुके हुए कार्य हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, और पिछले 24 जनवरी 2020 से आपके भाग्य स्थान के स्वामी अष्टम में गए हुए थे, अपनी राशि से 12वें शनि चल रहे थे कुंभ राशि से, तो अब कुंभ में ही आने से, भाग्य में आने से, भाग्य के दरवाजे खुलेंगे, कार्य बनेंगे, कार्य सिद्ध होंगे, सोची हुई योजनाएं बनेंगी, और धर्म कर्म के कार्यों में विशेष रूप से रुचि बनेगी। जबरदस्त कार्य सिद्धि का योग यहाँ आपकी राशि में बनेगा, ये मैं आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ।
अच्छा योग है, हमें भी खुशी होती है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल आज आपको बताने में भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि जब ग्रहों का ट्रांजिट अच्छा लगता है तो हमें बताने में और ज़्यादा उत्साह और आनंद आता है, और ऐसी ग्रह गति आपके लिए दिखाई पड़ती है। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सीलेंट राशि, जिसके लिए काफ़ी बेहतरीन फल यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और नाम है तुला। अब जितने भी जातक मुझे तुला के सुन रहे हैं, आपके लिए आपकी राशि के स्वामी शुक्र महाराज बनते हैं, और शुक्र की और शनि की तो परम मित्रता है, और इतना ही नहीं, जी हाँ मैंने बोला इतना ही नहीं, वो इसलिए क्योंकि त्रिकोण में पंचम भाव में शनि महाराज का गोचर अब हो चुका है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। दाम्पत्य जीवन के लिए तो जरूर कलह की स्थिति है, ये तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, परंतु आपसे शनि की ढैया समाप्त होगी सवा दो महीने के लिए, और साथ में शनि महाराज पंचम भाव में रह के कुछ अकस्मात आपको धन वृद्धि का योग बनाएंगे, कोई रुकी हुई फंसी हुई पेमेंट दिलाने में सहयोग करेंगे, और इनकी दशम दृष्टि धन भाव के ऊपर रहेगी, तो आर्थिक समृद्धि का बड़ा बेहतरीन योग बनाएंगे, वह आप अपनी योजनाओं को बना सकते हैं, उनसे लाभ मिलेगा, और मंगल शनि की युति भी पंचम भाव में बनी हुई है, ऐसे में यहाँ पर 17 मई के बाद में आपको कोई विशेष सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि की, राशि का नाम रहेगा वृश्चिक। जितने भी जातक अब मुझे वृश्चिक के सुन रहे हैं, आप ध्यान से समझ लीजिए, आपके लिए बहुत बेहतरीन शश नाम का महापुरुष राजयोग कुंभ राशि में चतुर्थ भाव पर बना है, ऐसे में जिन लोगों का रिस्क लेने वाला काम है, दो नंबर का काम है, कालाबाजारी का काम करते हैं, या कोई ऐसा काम करते हैं जो जिसमें आता भी बहुत है पैसा तो जाता भी है, रिस्क रहता है, तो ऐसे लोगों को यहाँ जबरदस्त गेन मिलेगा इस शनि के ट्रांजिट से। आपको राजनीति में सफलता मिलेगी, सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन जमीन जायदाद में से लाभ मिलेगा, आपका आत्मबल भी बढ़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बस थोड़ा सा लोभ और लालच की जो इच्छा है वो यहाँ पर कुंभ राशि में शनि के रहने से, मन पे रहने से बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये भी मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। पर आपके लिए योग अच्छा है, एक शनि की ढैया वृश्चिक राशि पर जरूर चालू हो रही है, परंतु ये ढैया आपके लिए बुरी नहीं रहेगी, क्योंकि कुंभ राशि के शनि है। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि की, और राशि का नाम रहेगा मकर। जितने भी जातक मुझे मकर के सुन रहे हैं, आप ध्यान से सुन लीजिएगा, आपके लिए धन के घर में गुरु शनि महाराज का गोचर होगा, जी हाँ धन के घर में पैसे पर, तो यहाँ पर आर्थिक समृद्धि होगी, पर परिवार के लोगों के साथ में कलह बनेगा, धन आवक का एक सुंदर योग बनेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि अगर राशि का स्वामी अपनी राशि से दूसरी राशि में बैठा हो, तो वो धन का स्थान में बैठने से यहाँ पर मेहनत परिश्रम जो आप कर रहे हैं और जो तपस्या चल रही है, जो फल नहीं मिल पा रहे, वो फल अब आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, यानी कि फल मीठा मिलेगा, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। एजुकेशन में सफलता मिलेगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको लाभ मिलेगा, ऐसा ग्रह गोचर दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट राशि रहेगी कुंभ। जितने भी कुंभ के दर्शक अब मुझे सुन रहे हैं, आपके होने वाले हैं जबरदस्त वारे न्यारे, आपकी दहाड़ी की किस्मत, आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा, आपका सूखा होगा खत्म, क्योंकि आपकी राशि के अंदर शनि के रहने से, खर्च के घर से निकलने से शश नाम का ये राजयोग यहाँ पर बन चुका है, और ये राजयोग बहुत पावरफुल राजयोग होता है, आपके लिए जबरदस्त तरीके से अब गेन आगे आने वाले भविष्य में देखने को मिलेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है, और देव गुरु बृहस्पति आपके धन के घर में आ चुके हैं, प्रॉफिट को लेकर के स्वग्रही होकर के धन के भंडार भरेंगे। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आपके लिए भी बहुत अच्छा समय है, और आपकी शनि की जो ढैया है वो अब सेकेंड फेज में भी आ जाएगी कुछ समय के लिए। दोस्तों मैं अभी सभी 12 राशियों के लिए अलग अलग वीडियो भी बनाऊंगा, जिसमें मेष से लेकर के मीन हर एक एपिसोड अलग अलग बनेगा, उसको भी देखना ना भूलें, जल्दी वीडियो लेकर के आऊँगा। अगर आप मुझसे कुंडली बनवाना दिखवाना, पूजा पाठ या रथ लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी इजाज़त चाहता हूँ, नमस्कार, धन्यवाद। कुंडली बनवाने दिखाने, पूजा पाठ व रत्नों के लिए संपर्क कर सकते हैं 9899888433 7011805461। प्रिय दर्शकों, आप सभी के लिए एक